2021 के जुलाई महीने में आर बाल्की ने इस बात का कंफर्मेशन किया था कि मैं एक गुरुदत्त पर बेस्ड फिल्म का निर्देशन कर रहा हूं, और तब से लेकर अब तक चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। लेकिन ये इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। 23 सितंबर 2022 को अभिनेता सनी देओल स्टारर फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म क्रिटिक्स ने अच्छे खासे रिव्यू भी दिए हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करीब 3 सालों के बाद अभिनेता सनी देओल की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिस फिल्म को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा उत्सुक थे। साथ ही इस फिल्म में दलकीर सलमान, सिराज धनवंतरी और पूजा भट्ट का भी अहम किरदार होने वाला है। कुल मिलाकर यह फिल्म काफी मायनों में खास है। ऐसे में बढ़ चढ़ कर लोग फिल्म को सिनेमाघरों में देखने भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं फिल्म का कैसा रहा है रिव्यू और फिल्म को देखने के बाद क्रिटिक्स ने अपने क्या रिएक्शन दिया है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे फिल्म के निर्देशक की, यानी आर बाल्की की। आर बाल्की बॉलीवुड के उन चुनिंदा राइटर डायरेक्टर्स में से एक है जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहतरीन योगदान दिया। ऐसे में उन्होंने एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म लेकर बॉक्स ऑफिस पर हाजिर हो चुके हैं और उनकी इस फिल्म में दमदार किरदार निभा रहे हैं सनी देओल। सनी देओल का इस फिल्म में एक क्राइम ब्रांच वाले पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं। साथ ही इस फिल्म में डैनी के किरदार में दलकीर सलमान है, तो वही दूसरी ओर सिराज धनवंतरी इस फिल्म में एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टर का किरदार निभा रही है। ऐसे में पूजा भट्ट का भी इस फिल्म में एक अहम किरदार है। वो इस फिल्म में क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का किरदार निभा रही है जो कि क्रिमिनल की तरह सोचने में माहिर होती है। अब कुल मिलाकर स्टार कास्ट भी काफी बेहतरीन रही और फिल्म की कहानी भी काफी ज्यादा अलग है। आज तक इस कंसेप्ट पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी फिल्म नहीं बन पाई है। ऐसे में आर बाल्की ने एक नई शुरुआत की है और इस शुरुआत की लोग जमकर तारीफें भी कर रहे हैं। रिव्यू देने से पहले हम आपको फिल्म की कहानी से रूबरू कराना चाहते हैं। अब चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट गुरुदत्त से प्रेरित फिल्म है और उन्हें इस फिल्म के जरिए ट्रिब्यूट भी किया गया है। फिल्म की कहानी है, एक रात मुंबई में मर्डर से सनसनी फैल जाती है और जाने माने क्रिटिक नितिन श्रीवास्तव को बेरहमी से काटकर मार दिया जाता है और इस केस को देख रहे होते हैं अरविंद माथुर यानी सनी देओल और इस मौत की मिस्ट्री को सोल्व कर रहे होते हैं। ऐसे में एक के बाद एक मर्डर भी होते हैं और हैरान कर देने वाली बात तो रहती है कि तीनों ही मरने वाले फिल्म क्रिटिक होते हैं। ऐसे में अरविंद सीरियल किलर जो कि केवल क्रिटिक्स को ही टारगेट कर रहा है की तलाश में लगते हैं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और एक के बाद एक मर्डर होने से शहर में दहशत भी फैल जाता है। ऐसे में इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए अरविंद अपनी दोस्त जेनिविया यानी पूजा भट्ट की मदद लेते हैं जो पेशे से फिल्म में क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का किरदार निभाती है और इस कड़ी में एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट नीला मैनन यानी श्रेया धनवंतरी भी इस पहेली को सुलझाने के लिए अरविंद का साथ देती है। कुल मिलाकर ये तीनों ही मिलकर फिल्म में उस साइको किलर की पहचान करने में जुट जाते हैं जो इतनी बेरहमी से लोगों का कत्ल करता है। अब ऐसे में अरविंद जो इस फिल्म में दमदार पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं वो क्या उस किलर को पकड़ पाते हैं या फिर नहीं, ये देखने के लिए आपको सिनेमाघरों की तरफ रुख करना पड़ेगा। अब कुल मिलाकर की कहानी तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ऐसे में अगर कलाकारों की बात करें तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार सनी देओल एक लंबे समय से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से गायब है और 3 सालों के लंबे अंतराल के बाद चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए वो काफी ज्यादा उत्सुक भी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल ने इस फिल्म में काम करने के लिए कड़ी मशक्कत भी की है, लेकिन उनका फिल्म में जो किरदार है वो एक कॉप पर आधारित है। ऐसे में सनी देओल ने कई सारी फिल्मों में कॉप का किरदार निभाया है और चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में उनका एक कॉप वाला किरदार भी काफी दमदार लग रहा है। तो वहीं दूसरी ओर दलकीर सलमान की बात करें तो उन्होंने अपने एक्टिंग से लोगों को मुरीद बना दिया है। उनकी एक्टिंग देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़ी फिल्मों में दलकीर सलमान को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर पूजा भट्ट की बात करें तो फिल्म में उनका ठीक ठाक किरदार है। तो वहीं दूसरी ओर सिराज धनवंतरी की बात करें तो फिल्म में उनका ठीक ठाक किरदार रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म की कहानी के हिसाब से इन सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ अच्छा खासा न्याय किया है और कुल मिलाकर यह फिल्म देखने लायक भी है। अब आर बाल्की के निर्देशन में बनी फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट की अगर माइनस पॉइंट की बात करें तो इसका माइनस पॉइंट फिल्म का क्लाइमेक्स बताया जा रहा है। बताया जाता है कि फिल्म का क्लाइमेक्स काफी ज्यादा ग्रैंड होने वाला था लेकिन इसे बहुत जल्द खत्म कर दिया जाता है। ऐसे में दर्शकों को थोड़ी बहुत निराशा झेलनी पड़ी, लेकिन इस निराशा से आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि फिल्म बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। आप फिल्म को सिनेमाघरों में इसलिए भी देख सकते हैं क्योंकि एक नई कहानी और कंसेप्ट पर यह फिल्म बेस्ड है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब इंडस्ट्री में ऐसी कोई फिल्म बन रही है। वहीं दूसरी ओर डायरेक्टर आर बाल्की की बात करें तो आर बाल्की की इस फिल्म को फिल्ममेकर गुरुदत्त को ट्रिब्यूट भी कहा जा सकता है। फिल्म एक डायलॉग है जिसमें यह बताया जाता है कि कागज के फूल बनाने वाले को कागज पर कलम चलाने वालों ने चुप करा दिया। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि गुरुदत्त अपनी इस फिल्म की रिव्यू से इतने ज्यादा आहत हुए थे कि उन्होंने फिल्में बनाना छोड़ दी थी और डिप्रेशन में भी चले गए थे। 2-3 साल बाद फिर उनकी मौत भी हुई। हालांकि आज वही फ्लॉप करार दी गई फिल्म को कल्ट क्लासिक कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इस रिव्यू को देखने व सुनने के बाद अगर आप भी सनी देओल और दलकीर सलमान स्टारर फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट को सिनेमाघरों में देखने के लिए मन बना रहे हैं तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं।